नमस्कार विजय, कैसी न्यूज, आपका स्वागत है। अभी फिलहाल पंचकुला के सबसे बड़ी अपडेट बता दें आपको। आरटीओ पंचकुला ट्रक रोककर टीम के साथ मोली के पास गोलपुरा के नजदीक कर रहे थे चेकिंग। मोली गांव के नजदीक अचानक एक पिकअप गाड़ी ने चेकिंग कर रहे स्टाफ को टक्कर मार दी, जिसमें मौके पर मौजूद सिपाही संदीप गंभीर रूप से जख्मी हो गया। बताया जा रहा है कि संदीप की इस दौरान मौत हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक मौली चौकी एरिया के गांव गोलपुरा के नज़दीक आरटीओ द्वारा चेकिंग के दौरान एक टेम्प्रेरी नंबर की गाड़ी ने आरटीओ की बुलेरो गाड़ी नंबर HR70C4897 को टक्कर मार दी, जिसमें सिपाही संदीप सिंह की मौके पर ही मौत हो जाती है। वह अन्य तीनों को गंभीर चोटें आई हैं, जो एक मुलाजिम को गंभीर चोट आई है, जिसको CSC रायपुर रानी में ले जाया गया है। पुलिस मौके पर पहुँच गई है और आगामी कार्रवाई करी जा रही है। सर एक अभी बागवाली के पास एक्सीडेंट हुआ सर जी, सर बताएंगे सर इसके बारे में। आज यहाँ जो एक्सीडेंट हुआ है, हमारा आरटीओ स्टाफ इंस्पेक्टर जोगिंदर सिंह चेकिंग कर रहे थे और दौरान चेकिंग एक बोलेरो गाड़ी पिकअप स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा थी, उसने हमारे कांस्टेबल संदीप को टक्कर मारी। संदीप दौरान चेकिंग ट्रक से ड्राइवर से कागजात ले रहा था चेकिंग के लिए, और ट्रक बिल्कुल साइड में खड़ा था। सिपाही की भी चेकिंग ठीक ही थी, ट्रक नीचे खड़ा था और ठीक तरह से कागज ले भी रहा था। इसमें कोई जैसे हमने मौका देखा है, सड़क से नीचे था ट्रक, सारी गलती सारी लापरवाही ही इसमें बिलरो पिकअप जो ड्राइवर था उस पर उसी की है जी। सर घायल कितने हुए जी, इसमें कुछ घायल भी हुए ना जी? हाँ, एक सिपाही जो उसके साथ में था, संदीप महाराज जो कांस्टेबल कागज ले रहा था डॉक्यूमेंट्स, उसके पास सिपाही के हमारे होल्डर था, उसको भी छोटी चोट आई है कुछ, उसका बचाव हो गया, उसको कोई जान का नुकसान नहीं हुआ जी। सर मतलब आपके कहे अनुसार इस एक्सीडेंट में कांस्टेबल संदीप भी डेथ हुई है सर? यस जी, थैंक यू सर।